Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी agriculture optional answer writing practice series चल रही है, उसका next question को आज हम लोग करने वाले हैं. And the question for today is, what is the need of agriculture price policy? What are its benefits? Sorry, what are its objectives? And discuss the criteria for deciding MSP for each crop. एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी का क्या नीड है हमारे कंट्री में, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं और कैसे हम लोग एमएसपी डिसाइड करते हैं. तो ये सारी चीजों का मैंने प्रीवियसली भी अपने कोर्स में पढ़ाया हुआ है. ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भी प्रीवियसली अगर एक आंसर में देखोगे तो आप उसमें मैंने डिसाइडिंग एमएसपी पे पूरी एक वीडियो बनाई हुई थी, आंसर कराई हुई थी. तो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स वाली एक क्वेश्चन थी, तो उसकी भी मैंने कराई हुई थी, उसको भी मैंने तो काफी इंपॉर्टेंट बहुत एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी एंड एमएसपी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर our optional. So we will see how we approach this answer. काफी important आप लोगों को एक depth knowledge देने के बारे में अच्छे से होना चाहिए, because every now and then UPSC पूछता है ऐसे, ठीक है, अगर आप previous years देख लो तो. And you should try to write these types of answers by yourself. ऐसे answers को खुद से भी लिखने का प्रयास करना चाहिए, because the more you write, the more you improve. खुद से लिखोगे उतना improvement आपको दिखेगी अपने answer writing skills में. और अगर बात करिए question की, तो ये 2023 CSE में आ चुका है. हमारे फार्मर्स को फेयर प्राइसेस मिले, प्राइस स्टेबिलिटी वगैरह सब बनी रहे हमारे मार्केट में, और जो भी प्राइस को लेकर प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ना आए, और गवर्नमेंट इसी हिसाब से डिसाइड करते रहती है एमएसपी. एंड दिस एमएसपी इज आल्सो ए पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी. ओनली एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी का ही पार्ट है एमएसपी. ओके, सो लेट्स नाउ मूव टू द बॉडी. व्हाट इज द नीड ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, एपीपी, दैट इज एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी. फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकम स्टेबिलाईजेशन. क्या होता है कि कभी प्राइस अगर हाई हो जाए, प्राइस लो हो जाए, तो उससे क्या होता है, मान लो किसी साल कभी हाई प्रोडक्शन में, ठीक है, हाई प्रोडक्शन में, अब इतनी ज्यादा हाई प्रोडक्शन होगी कि कोई ले नहीं रहा है उस प्रोडक्ट को, ये फिर ले रहा है काफी चीप प्राइसेस में, तो उससे क्या हो रही है, फार्मर्स की इनकम लो हो जा रही है. तो ये चीज ना हो इसलिए इनकम स्टेबिलाईज रहे, फार्मर्स की प्राइस सपोर्ट मिले उनको, केसेस ऑफ कुछ रिस्क हो गया, केसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ड्राउट, कुछ भी नेचुरल हैजार्ड हो गया, कुछ भी नेचुरल हैजार्ड आ गया, अदर प्रॉब्लम्स कुछ भी आए, तो उसमें फार्मर्स को एक प्राइस सपोर्ट रहे कि मिनिमम आपको ये प्राइस गवर्नमेंट पे करेगी. इनकरेजिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. अब देखो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी से कैसे गवर्नमेंट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करती है. अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल आप देख लो टाइम से कि राइस वीट पे अच्छी एमएसपी है, एमएसपी में अच्छी पकड़ है राइस वीट की, तो आप देखोगे टाइम एंड नाउ हमारा राइस वीट अगर प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमें डाइवर्सिफाई करने को आपको पल्सेस को एमएसपी में ले आएंगे, मिलेट्स को अच्छी एमएसपी देंगे, पल्सेस मिलेट्स को अच्छी एमएसपी देंगे, तो फार्मर धीरे धीरे इस पर शिफ्ट करेंगे. तो इस तरह से हम लोग गवर्न कर सकते हैं कि कौन सा क्रॉप हमें लगवाना है फार्मर से, और ऐसे करके हम लोग क्रॉप डाइवर्सिफाई करा सकते हैं. तो दिस कुड बी डन. सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को तो सेफ गार्ड कर ही रहे हैं, कंज्यूमर्स के भी इंटरेस्ट को हमें सेफ गार्ड करना है, ताकि ऐसे नहीं कभी हाई प्राइस हो जाए काफी हाई, तो कंज्यूमर भी उसे अफोर्ड ना कर पाए. तो दोनों के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना है. आउटपुट्स हमारे डिजायर्ड आए, ग्रोथ रेट जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ है वो प्रॉपरली रहे. So these are the some of the common needs of agriculture price policy. For these things we need agriculture price policy. और जो भी points लगते हैं आपको comment करके बताएं, उनके answers में incorporate करें. Now let's move to the objectives. Objectives क्या क्या हैं agriculture price policy के? Price stabilization, की price stable रहे, ज़्यादा fluctuations ना हो price में. Income support, जैसे मैंने बोला था कि farmers को income support मिलती रहे, अगर किसी साल लो प्रोडक्शन हो या मार्केट में उनकी उस तरह की प्राइस उसे ना मिल रही हो किसी भी रीजन से, तो उनको एक सपोर्ट मिल जाए कि इतनी प्राइस और मिनिमम इतनी प्राइस आपको मिलेगी. इंसेंटिवाइजिंग एफिशिएंट रिसोर्स यूज, रिसोर्स को अच्छे से करे, रिसोर्स की यूज को अच्छे से करे, उसके ध्यान देना है. बैलेंस रीजनल ग्रोथ हो, मान के चलो कोई एक एरिया है, लेटेड एरिया, लेटेड बी एरिया, एरिया में अच्छे मार्केट से अच्छे प्राइस मिल रहे हैं, बी एरिया में मार्केट से अवेलेबल नहीं है, कंज्यूमर्स उतने अफोर्डेबल नहीं कर पा रहे हैं, लो प्राइसेस मिल रहे हैं, रीजनल डिस्पैरिटी होगी. तो हमें इससे एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी को अच्छे से फेयर रखना है, ठीक, ताकि दोनों जगह पे जो ये रीजनल डिस्पैरिटी हो रही है वो ना हो और बैलेंस रीजनल ग्रोथ हो.
और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी हमें प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। हाउ यू होप यू अंडरस्टैंड दिस। काफी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, जो भी आपको पॉइंट्स लगते हैं वो आप कमेंट करके बताएं और अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करें। जो बेसिक 5-6 पॉइंट्स मुझे लग रहे हैं कि आंसर लिखना है आपको, तो मैं उस हिसाब से बता दे रहा हूँ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग एमएसपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज एमएसपी। एमएसपी इज द रेट एट विच गवर्नमेंट बायज फ्रॉम फार्मर्स। रेट एट विच गवर्नमेंट बायस फ्रॉम फार्मर्स, और इसको मैंने पहले भी कराया हुआ है, क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग एमएसपी प्रॉपर एक क्वेश्चन में कराया हुआ, तो उसको भी रेफर कर सकते हैं। यहाँ भी मैं एक करा देता हूँ। ठीक, और ये डिसाइड कौन करता है? सीएसीपी, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें जब प्रोडक्शन कॉस्ट को देखते हैं हम लोग, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट व्हिच आर टेकन इनटू एमएसपी। फर्स्ट वन इज A2। A2 क्या है? जो डायरेक्टली पेड बाय फार्मर है, डायरेक्टली पेड बाय फार्मर, इसे हम लोग इनपुट कॉस्ट भी कहते हैं। बिकॉज फार्मर कहाँ डायरेक्टली पे करेगा? मैक्सिमम चांसेस है कि वो इनपुट पे पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल वो सीड्स परचेज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो फर्टिलाइजर्स परचेज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो फ्यूल परचेज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो इरीगेशन में खर्च कर रहा है। सो दो डायरेक्टली फार्मर पे कर रहा है, दैट इज A2। नाउ सेकेंड वन इज A2+FL। A2+FL इसमें क्या एड हो जा रहा है? FL दैट इज अनपेड फैमिली लेबर। अगर वो कोई लेबर को हायर कर रहा है, अगर किसी लेबर को पे कर रहा है, then it will become an A2। पर FL में क्या रहा है? अनपेड फैमिली लेबर, जिसकी जो अगर फार्मर की वो फील्ड है, अपने फील्ड में जाके वो काम कर रहा है, जिसके लिए उसे पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो दैट इज अनपेड, तो ये FL में आ रहा है। नेक्स्ट वन इज C2। C2 में क्या कह रहा है? C2 में रेंटल्स आ रहे हैं, C2 में इंटरेस्ट फॉरगेन ऑन ऑन लैंड इंटरेस्ट आ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ऑन लैंड एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स। ये पे कोई फिक्स्ड कैपिटल एसेट उन्होंने खरीदा, उसमें कोई इंटरेस्ट है। अब जैसे मान के लो कि कोई एक मशीनरी खरीदा, एक ट्रैक्टर फॉर एग्जांपल खरीदा, और उसको उन्होंने EMI पे लिया है, उसमें कुछ परसेंट ऑफ, मान के चलो 10% ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? इंटरेस्ट किस में काउंट होगा? C2 में। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि C2 क्या होती है, A2+FL क्या है, A2 क्या है, आप सब समझ गए होंगे। सो दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हिच आर यूज्ड इन डिसाइडिंग एमएसपी। देखो डिटरमिनेंट्स क्या क्या हैं, ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप समझो, डिटरमिनेंट्स क्या क्या डिटरमाइन करती है एमएसपी को? डिमांड एंड सप्लाई, कितनी डिमांड है, कितना सप्लाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, ये देख लो आप। प्राइस ट्रेंड्स इन मार्केट, मार्केट्स में क्या प्राइस ट्रेंड्स चल रहे हैं उसको भी ध्यान में देना है। इंटरक्रॉप प्राइस, प्राइस पैरिटी, जो इंटर क्रॉप है, जैसे दो तीन क्रॉप के बीच में क्या प्राइस डिफरेंसेस, उनको देखने को ध्यान देना। जो प्राइस ट्रेंड्स है मार्केट में, बोथ नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट, दोनों ही मार्केट को देखते हैं, यू टेक इनटू अकाउंट बोथ द मार्केट्स। टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर के सेक्टर के बीच किस तरह का ट्रेड हो रहा है, उसको भी ध्यान रखना है। एक चीज जो मेजर चीज है इसमें ध्यान रखना, 1.5 इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये चीज हमें ध्यान रखना है। जब भी हम एमएसपी डिटरमाइन कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वो 1.5 इनटू होना चाहिए। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा 100 है, तो एमएसपी शुड बी एटलीस्ट 150, दैट इज 100 इनटू 1.5, ये क्या हो जाएगा 1.50। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना। लाइकली इम्प्लीकेशंस ऑफ एमएसपी ऑन कंज्यूमर, कंज्यूमर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस एमएसपी का, इसे भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो दीज आर सम ऑफ द डिटरमिनेंट्स। तो आई होप आप आज के क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे कि व्हाई वी नीड एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड क्या क्राइटेरिया लगती है इन डिसाइडिंग एमएसपी। तो ये तीनों पार्ट जो है क्वेश्चन के मैंने काफी अच्छे से आप सबको समझा दिया है, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।